तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, ये सत्तू है, सत्तू का पराठा। तो ये चने का सत्तू है, इससे बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है। आपने कभी नहीं बनाया है तो आप ज़रूर बना के देखिएगा। तो सत्तू को सबसे पहले मैंने एक थाली में डाल लिया है, अब इसको रेडी करेंगे पराठा बनाने के लिए। तो इसका जो पराठा होता है बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ताकतवर होता है। तो आपको पता है चना कितना ताकतवर होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हम सभी के लिए। तो कई तरीके से चने वगैरह हम नहीं खा सकते हैं, तो इस तरीके से चना जो है खाया जाता है, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो हल्की सी डाल देंगे अजवाइन, हल्की सी मल के हथेली पे, ताकि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो जो जो चीज़ें आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हो। तो इसमें डाल देंगे हल्की सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और हल्का सा डाल देंगे जीरा। तो कुछ मसाले डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम एक नींबू का रस, इससे बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है पराठा हमारा। तो नींबू नहीं है आपके पास तो इसमें आप अमचूर भी या अनारदाना डाल सकते हो। तो अब इसमें डालेंगे हम ये बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज। तो इन सब चीज़ों को इसके अंदर डाल लेते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हमने डाल दी है, तो इसको टेस्टी बनाने के लिए सबसे लास्ट में जाएगा इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल। तो आपने लिट्टी चोखा खाया होगा, तो लिट्टी चोखा जो होता है उसके अंदर यही चीज़ भरी जाती है। तो आप इसमें चाहे तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो, या बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हो अगर आप खाना पसंद करते हो। तो सरसों का तेल डालने के बाद मैं इसको बढ़िया से मिक्स कर लूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा मिक्सर बन के रेडी हो जाएगा पराठा बनने के लिए। तो ये सारे मसाले डाल के मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो हल्का सा इसमें जो है पानी के छींटे ले लेते हैं, ताकि इसकी जो बाइंडिंग है बढ़िया से सेट हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा छींटा मारना है पानी का, ज़्यादा नहीं मारना। तो ये मिक्सर हमारा बिल्कुल रेडी है पराठा बनने के लिए। तो अब हम इसका पराठा बनाना शुरू करते हैं। सत्तू का पराठा बनाने के लिए हमें नॉर्मल आटा लेना है, और आटे में अगर आप चाहें थोड़ा सा नमक डाल के आटे को गूंदें तो और टेस्टी बनेगा पराठा। तो अब हम हल्का सा इसको मोटा सा बेल लेंगे, इसको उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से हम आलू वगैरह का बनाते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सत्तू भर लेते हैं और इसको वाइंड कर लेंगे इस तरीके से, बढ़िया से फोल्ड करना है। तो आप ये वाले परांठे कितने भी पतले बना सकते हो, ये जल्दी से फूटते नहीं है। तो इसको हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे और हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे, ताकि जो सत्तू हमने भरा है पूरी लोई में फैल जाए अंदर से। अब इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेते हैं। तो इसमें हमने प्याज हरी मिर्च वगैरह डाली हुई है, तो इससे बहुत ही अच्छी टेस्टी पराठा लगता है। देखो, तो देख सकते हो मैंने इसको बेल लिया है। अब यहाँ पे तवे पे डाल देते हैं इसको। तवे पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है, अब पराठे को डाल देते हैं। तो देख सकते हो कितना पतला मैंने पराठा बनाया है, और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी टेस्टी सा लगता है। तो आप इस सत्तू का पराठे को एक बार ही बनाओगे तो बार बार इसी को बनाओगे। जो गोभी वगैरह के पराठे होते हैं आलू के, उससे ज़्यादा ताकतवर होते हैं ये। तो हमने दोनों तरफ से इसमें घी या ऑयल जो भी आप खाना पसंद करते हो वो आप लगा सकते हो। तो देख सकते हो बढ़िया सा पराठा हमारा बनके तैयार हो रहा है, बिल्कुल क्रिस्पी सा। तो बहुत ही चटपटा करारा ये पराठा लगता है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा परांठा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब है। तो मैं इसको प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ, कितना बढ़िया ये अंदर से लग रहा है देखने में। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ये क्रिस्पी क्रिस्पी परांठा है। तो अंदर से आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा ये बना हुआ है। तो ये पूरा सत्तू जो है आटे के अंदर पूरा मिक्स हो चुका है अलग से। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप सत्तू का पराठा बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।